alaikum seven class. It's our uh, science lecture, and I'm your teacher. Okay, uh, before wasting our time, we should start a lecture. By now, okay, class. Uh, firstly, uh, I will discuss from the very start of the chapter. The chapter that we have started is about that is uh, plant and their systems. Okay in your first lecture you have done about the parts of the plants okay there was actually uh, four parts of the plants or five parts of the plants that were discussed in your book the first one was the roots stem leaves flower and buds okay we have done their function as well in our second lecture we started a Topic that was actually the plant tissues. So again, I was going to start my today's lecture with the same point. In your sixth class, we have done or you have done uh, second chapter that was actually the life and the life processes. In chapter Major main trees that was actually about the cell. Okay? सेल क्या है सेल इज अ मेन स्ट्रक्चरल एंड अ फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ ठीक है हर जिंदा जानदार चीज जो है वो किस चीज से मिलके बनी होगी सेल से सो so, इस चीज को माइंड में रखिए व्हेन द सेल्स दैट परफॉर्म द सेम फंक्शन बॉडी के वो सेल्स जो सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं दे विल कंबाइन एंड दे विल मेक टिश्यूज ठीक है दिस इज आवर लेक्चर नंबर टू Then in the book we have studied about there are the four different types of tissues in plants, and that was your photosynthetic tissues. That was actually present in the leaves, what was function was food preparation. Okay? because they contain chloroplast. Next we have xylem tissues. Xylem tissues' function. Recall, what was the function of the xylem tissues? Was the transport of water in the plant. एंड देन वी हैव द फ्लोइंग टिश्यूज फ्लोइंग टिश्यूज का फंक्शन क्या था ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर और फूड यू कैन से दैट एंड ऑन द वेरी लास्ट वी हैव द फोर टाइप ऑफ द प्लान टिश्यूज देट वॉज एक्चुअली द प्रोटेक्टिव टिश्यूज जिसका फंक्शन क्या था प्लांट को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम डैमेज ठीक है प्लांट को डैमेज से प्रोटेक्ट करना ओके एंड एक और चीज़ हमने प्रोटेक्टिव टिश्यूज में की थी दैट द प्रोटेक्टिव टिश्यूज आर प्रेजेंट थ्रू आउट द प्लांट ठीक है चाहे वो प्लांट्स की रूट्स हैं स्टेम्स हैं लीव्स हैं बर्ड्स हैं ठीक है, है, है हर एक चीज़ के ऊपर द फर्स्ट लेयर विल बी मेड ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यूज बिकॉज हर एक चीज़ को प्रोटेक्शन चाहिए सो वहाँ पे हमारे पास सबसे फर्स्ट लेयर क्या होगी प्रोटेक्टिव टिश्यूज होंगे ओके नेक्स्ट मूविंग टूवर्ड्स टूडेज टॉपिक वन टिश्यूज डिफरेंट टिश्यूज कम्बाइन सेल कंबाइन किए थे तो क्या बना था टिश्यूज और टिश्यूज जब कंबाइन करेंगे दे विल मेक एन ऑर्गन ऑर्गन हमारे पास क्या होगा ऑर्गन एक्चुअली परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन ठीक है हर ऑर्गन जो प्लांट बॉडी में है उसका एक स्पेसिफिक खास फंक्शन है उसका वहाँ पे ठीक है सो देर आर एक्चुअली द फोर ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट the first one is the leaves then we have stem then we have roots and flowers we have already done these in the first lecture along with their function just one or two thing additional will be added in this lecture okay when organ combine cell combine kiye it will make tissues tissue combine it. different tissues combine it will make organ and organs make an ऑर्गेनिज्म ऑर्गेन organ मिलेंगे तो क्या बना देंगे ऑर्गेनिज्म बना देंगे ऑर्गेनिज्म को अगर अकॉर्डिंग टू योर बुक मैं डिफाइन करूं तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म कैसे डिफाइंड है डिफरेंट टिश्यूज कंबाइंड टू मेक एन ऑर्गन एंड दीज टिश्यूज टूगेदर मेक ए न्यू प्लांट दैट इज एन ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन क्या है एन ऑर्गेनिज्म इज समथिंग दैट इज एबल टू सर्वाइव ऑन इट्स ऑन ठीक है कि ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए अपने भी हाफ पे वो खुद सर्वाइव कर सकता है ठीक है बींग अ्यूमन बींग एन इंडिविजुअल बींग एन ऑर्गेनिज्म वी कैन सर्वाइव बाय इट्स ऑन ठीक है हम अकेले भी रह सकते हैं ठीक है हम खुद से सर्वाइव कर सकते हैं ठीक है ये जरूरी नहीं है कि हमारे सर्वाइवल के लिए हमें बहुत ज़्यादा जो है वो लोग साथ में चाहिए कि हमें सर्वाइव करना है ठीक है सो दे आर दैट इज अबाउट द ऑर्गेनिज्म ठीक है और टुडेज टॉपिक इज प्लांट ऑर्गन्स ठीक है प्लांट ऑर्गन्स को इन डिटेल स्टडी करते हैं ऑर्गन्स ठीक है ऑर्गन क्या था डिफरेंट टिश्यूज कम्बाइंड एंड मेक ऑर्गन और Four different types of organs are discussed here. The first organ is a leaf. एक चीज़ याद रखिएगा organ किस चीज़ से milke bane hai टिशूज से It means that tissues combine होंगे तो organ बनेगा The we will check this out कि क्या ये टर्म ठीक है कि हमारे पास टिश्यूज़ जो हैं वो combine किए हैं तो ऑर्गन बना है हमारे पास सो फॉर दैट आई हैव ड्रॉन अ स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ और यू कैन से दैट दिस इज़ द इंटरनल स्ट्रक्चर और anatomy ऑफ द लीफ ठीक है सो अगर हम इस चीज को चेक करते हैं तो फर्स्ट थिंग दैट आई हैव द फर्स्ट लेयर याद रखिए अभी मैंने बोला था कि इवन दैट इज प्लांट लीव स्टेम रूट एनी थिंग द फर्स्ट लेयर ऑफ ईच ऑर्गेन ऑफ प्लांट इज मेड अप ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यूज सो द फर्स्ट लेयर जो बनी है वो किससे बनी हुई है प्रोटेक्टिव टिश्यूज से बनी हुई है ठीक है जो कि प्लांट को क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही देन मूविंग टू प्रोटेक्टिव टिश्यूज तो प्लांट में हो गए, done. Okay, next move कर रहे हैं तो आपके पास ये रेक्टेंगुलर शेप में कुछ आपको सेल्स नजर आ रहे हैं। डू यू रिमेंबर कि कल हमने ऐसे कौन से सेल्स किए थे ठीक है दिस वन ठीक है दिस वन जो कि रेक्टेंगुलर शेप में प्रेजेंट है और कुछ स्फेरिकल शेप में भी प्रेजेंट है दीज आर एक्चुअली द फोटोसिन्थैटिक टिश्यूज सो अगर मैं रिकॉल करूँ ऑल दीज टिश्यूज आर एक्चुअली फोटोसिन्थैटिक फोटोसिन्थैटिक इट मीन्स फोटोसिंथैटिक टिशूज आर डन नाउ वट इज दिस ठीक है इनसाइड द लीव फर्स्ट लेयर के आ गई प्रोटेक्टिव टिश्यूज सेकंड आपके पास क्या प्रेजेंट है फुल लीफ में फोटोसिंथेटिक टिश्यूज जहाँ जिनका काम क्या है फूड प्रिपेयर करना अलोंग विद दैट वी हैव एंड फ्लोइम टिश्यूज ये जो अपर पार्ट में आपको यूं नजर आ रहा है बीन शेप्ड दिस इज जाइलम ये जाइलम है और इसके नीचे दिस पोर्शन इज कॉल्ड फ्लोइम सो हमारे पास क्या हो गया जायलम टिश्यूज़ भी लीफ में टिक प्रेजेंट है और फ्लोइम टिश्यूज भी लीफ में प्रेजेंट है लीफ इज़ एन ऑर्गन ऑफ द प्लांट और उस ऑर्गन का फंक्शन क्या है फोटोसिंथेसिस करना फूड प्रिपेयर करना और ये ऑर्गन बना है विद द फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ फोटोसिंथेटिक टिश्यूज जाइलम टिश्यूज एंड फ्लोइम टिश्यूज ठीक है आई हैव ड्रॉन द डिफरेंट डायग्राम And in your book, this diagram is given you. The first layer is protective tissues. Green color is basically your photosynthetic tissues, green and parrot color photosynthetic tissues, orange color, you have xylem tissues, and in the white color you have phloem tissues. You can draw this diagram as well. Okay. Along with that, we have different organs. Leaves discussed curlia. Now we are moving towards. द डिस्कशन ऑफ द स्टेम रूट्स एंड फ्लावर्स सबके फंक्शंस हमने ऑलरेडी किया हुए ठीक है सो रूट्स का फंक्शन क्या है रूट्स का दो फंक्शन से आपने टेस्ट सेल्स के क्वेश्चन में भी सॉल्व किया था द फर्स्ट थिंग दैट इज टू होल्ड द प्लाट इन दॉयल एंड द सेकेंड टू एब्जॉर्ब द वॉटर एंड द मिनरल्स फॉर द प्लांट ठीक है ये दो फंक्शन थे हमारे पास रूट्स के अब रूट्स में एक और टर्म है रूट्स आर सेंसिटिव टू ग्रेविटी दैट दैट्स वाई दे ग्रो डाउनवर्ड, ठीक है सेंसिटिव टू ग्रेविटी मीन्स ग्रेविटी वो चीज़ है ग्रेविटी यू कैन से दैट इट्स अ फोर्स दैट पुल्स एवरी थिंग टू वर्ड्स अर्थ ठीक है अगर कोई भी चीज़ अब गिराओ तो वो अल्टीमेटली जमीन की तरफ गिरती है तो इट मीन्स देर इज समथिंग देर इज अ फोर्स जो कि हर एक चीज़ को अपनी तरफ खींच रही है एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटी सो रूट्स जो हैं वो दे आर मोस्ट सेंसिटिव टू द ग्रेविटी सो ये डाउनवर्ड जो है वो सॉइल के अंदर डाउनवर्ड जो है वो ग्रो करते हैं अगर स्टेम की बात कर लेते हैं तो स्टेम दैट इज दैट इज नॉट सेंसिटिव टू द ग्रेविटी इसलिए वो क्या करता है ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रो कर रही होती है स्टेम की बात कर लें तो स्टेम के फंक्शन क्या था प्लांट को होल्ड करना इन द अपराइट पोजिशन अलॉन्ग विद दैट इट्स अ पॉइंट एंड इन द अपराइट पोजिशन एंड होल्ड द लीव सो दे कैन गेट द सन लाइट एंड मेक यर फूड स्टेम के ऊपर ही लीव्स प्रेजेंट हैं एक तो प्लांट को अपराइट पोजिशन यानी बिल्कुल स्ट्रेट जमीन के ऊपर खड़ा रखता है और सेकेंड थिंग लीव्स को प्रॉपर सर्फेस एरिया लोकेशन प्रोवाइड करता है कि वो मैक्सिम सन लाइट को एब्सॉर्ब करें और फोटोसिंथसिस करके प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करें ओके ऑन द वेरी लास्ट वी हैव द प्लांट ऑर्गन दैट इज फ्लार फ्लार दैट इज द एक्चुअली द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट ओ ओके सिंपली आप कह सकते हो कि फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट और फ्लावर आपको पता है दैट इज डिफरेंट इन कलर्स ब्राइट कलर होते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना फॉर द पर्पज ऑफ पोलिनेशन पोलिनेशन नहीं होगी तो प्लांट की रिप्रोडक्शन नहीं होगी ठीक है इन योर चैप्टर नंबर सिक्स आपने लाइफ प्रोसेस इज देवर द सेवन लाइफ करेक्टरिस्टिक्स उसमें से एक थी रिप्रोडक्शन वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के करेक्टर है कि हर वो चीज़ लिविंग होगी दैट रिप्रोड्यूस जो कि अपने जैसे ऑफ स्प्रिंग्स जो है वो प्रोड्यूस करती है तो प्लांट लिविंग है सो अल्टीमेटली दे विल प्रोड्यूस अ इंडिविजुअल्स लाइक इट ओके वी हैव अ साइड बॉक्स दैट इज एक्चुअली फॉर योर एम सी क्यू ट्रीज़ आर द लॉन्गेस्ट ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ ओके देन वी हैव our test yourself it इट कंटेन्स जस्ट टू क्वेश्चन द फर्स्ट वन is इज एन ऑर्गन आई होप यू कैन राइट दिस आंसर्स different डिफरेंट इश्यूज they will विल मेक एन ऑर्गन सेकेंड क्वेश्चन इज नेम थ्री पार्ट प्लांट and write each one does ठीक है आपने तीन प्लांट हमने फोर प्लांट ऑर्गन पढ़े हैं लीव स्टेम रूट्स एंड फ्लावर यू हैव टू राइट थ्री आपको थ्री ऑर्गन्स राइट करने हैं एंड अलोंग विद देयर फंक्शन इफ यू आर राइटिंग दीज वंस आई हैव अंडरलाइन द लाइन्स दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू राइट देयर फंक्शंस एंड इफ यू वॉन्ट टू राइट प्लांट एज एन ऑर्गन सो दिस वन इज अ लीव इज अ प्लांट ऑर्गन हुज जॉब इज टू मेक द फूड बाय द फोटोसेंथसिस ओके क्लास दैट्स ऑल फॉर योर लेक्चर एंड होप यू आर Uh, clear with the idea and the concept of the lecture and um, okay uh, we will start the next topic in our t tomorrows in the next lecture okay class Allah Hafiz stay stay